हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो ये बीपीएससी का जो मैं आंसर कीज डिस्कस कर रहा था, उसका ये थर्ड वीडियोस है। इसमें मैं जो सिविल इंजीनियरिंग के पेपर सिक्स्थ हैं यानी लास्ट पेपर, उसके आंसर कीज को डिस्कस करूँगा। बाकी इसके क्या पैटर्न है वगैरह सब मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पेपर फाइव एंड पेपर फोर ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पेपर फाइव था सिविल इंजीनियरिंग का और पेपर फोर था जनरल इंजीनियरिंग का, तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो चलिए, ये सेट डी है, मैंने सारे का सेट डी ही डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। टोटल 50 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, 1 आवर्स का टाइमिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन अ हाउस वाटर कनेक्शन। हाउस वाटर कनेक्शन में जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होता है। तो आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फेर्यूल होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले वहाँ पे आती है पानी। तो फेर्यूल से जाएगा गूजनेक में, इसके बाद सर्विस पाइप में, फिर स्टॉप कॉक में, फिर वाटर मीटर में जाएगा। तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन का। क्वेश्चन नंबर टू है कि द मास कर्व मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर यूज क्या यूज करता है। तो सेंसस डाटा नहीं यूज करता है। ये देखिए, मास कर्व होता क्या है कि इनफ्लो और कितना इनफ्लो आया और डिमांड क्या है, तो उसी के हिसाब से ये ड्रॉ किया जाता है मास कर्व। ठीक है, इस तरह से आप देखे होंगे जो मास कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आता है निकल के। तो इनफ्लो क्या है और डिमांड क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, वाटर इनफ्लो डाटा एंड वाटर डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द रॉन्ग इंपेरिकल फार्मूला नेम। रॉन्ग इंपेरिकल फार्मूला नेम कंप्यूटिंग द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको पता है, ड्रेनेज डिस्चार्ज निकालने के लिए जो इंपेरिकल फार्मूला है, एक नवाब जंग बहादुर फार्मूला है जो बम्बई रीजन में चलता है, फिर डीकेंस फार्मूला है मद्रास के लिए, रिव्स फार्मूला है ना, ये तीनों फार्मूला आपका क्या है, इंपेरिकल है। लेकिन वी टी चाओ मेथड जो है ये इंपेरिकल नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला इज नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लो वेलोसिटीज इन सीवर्स एंड ड्रेन। सीवर और ड्रेन में कौन सा फार्मूला नहीं यूज करते हैं वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए। तो हॉर्टन्स इक्वेशन यूज नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा, इससे हम हाइड्रोलॉजी में यूज करते हैं। ठीक है, हॉर्टन्स फार्मूला हाइड्रोलॉजी में हम यूज करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन वगैरह निकालने के लिए, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने के लिए। ओके, ट्रांसपरेशन वगैरह, तो हॉर्टन्स फार्मूला क्या होता है वो उसमें यूज होता है। बाकी कटर्स और क्रिम्प बर्क ये फार्मूला हम यूज करते हैं सीवर और ड्रेन में। तो ए इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि हॉर्टन्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकलिंग, ये दो स्टेटमेंट दिया है पी और क्यू, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ बेड ऑफ क्रस्ड स्टोन ग्रेवेल स्लैग ऑफ रिस्पेक्टिव लार्जर साइज। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है मेरे हिसाब से। गलत इसलिए है कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर में हम यूज तो करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिलेटिवली लार्जर साइज। तो लार्जर साइज खाली यूज करेंगे तो वो फिल्ट्रेशन तो होगा नहीं, साइज वेरिएशन रहता है। हम हर साइज के जो ये पार्टिकल है हर साइज के यूज करते हैं, तब जाके वो फिल्ट्रेट होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एज सीवेज पासेस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर एंड ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ फिल्टरिंग मीडिया। ठीक है, तो फिल्म फॉर कर जाता है, ए क्यू इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखेंगे, पी इज़ करेक्ट एंड क्यू इज़ इनकरेक्ट। नहीं, पी तो गलत है, पी इज़ इनकरेक्ट एंड क्यू इज़ करेक्ट। सो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, इन ए टू चैम्बर सेप्टिक टैंक द फर्स्ट चैम्बर इज ए ग्रिड चैम्बर एंड सेकेंड चैम्बर इज ए एनएरोबिक चैम्बर। ये सही है, दो चैम्बर होता है, एक में हम सेडिमेंट को सेटल करते हैं, तो ग्रिड चैम्बर बोल सकते हैं उसको, सेटलेबल होता है। दूसरे में डाइजेशन होता है, तो एनएरोबिक डाइजेशन होता है, जिसमें सिर्फ CO2 मीथेन ये सब फॉर्म होता है।
तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा करा इन टू स्टोरी सेप्टिक टैंक द टॉप स्टोरी इज ग्रिड चैम्बर वाइल द अदर इज एनरोबिक। दो चैम्बर होता है लेकिन टॉप स्टोरी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ऑप्शन बी में। सी को देखते हैं। मॉडर्न सेप्टिक टैंक पजेस अ सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को स्टार कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप इसको स्टार कर सकते हो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम का जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कलवर्ट। कलवर्ट क्या होता है? ए ब्रिज ऑफ स्पैन अप टू 6 मीटर। 6 मीटर स्पैन तक के ब्रिज को हम क्या कहते हैं? कलवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वियर इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी ऑफ द इंटायर पॉन्डिंग इज अचीव्ड बाय। नहीं, ये गलत है, पी स्टेटमेंट गलत है। इंटायर पॉन्डिंग सिर्फ उससे क्रेस्ट से नहीं होता, इसमें पॉन्डिंग मतलब हम एक क्रेस्ट लेवल थोड़ा सा रेज करते हैं, वाटर लेवल को थोड़ा सा रेज करते हैं क्रेस्ट तक, लेकिन जैसे वो उसको वो मतलब क्रॉस करता है तो वो ओवरफ्लो होके उसमें स्पिलवे वगैरह प्रोवाइड किया रहता है, तो ओवरफ्लो होके जा सकता है उसमें से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पी स्टेटमेंट तो गलत है। ए बियर इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ विड्थ ऑफ द चैनल, ठीक है, अक्रॉस, यानी ये अगर रिवर है तो इस पर अक्रॉस जो है वो बियर कनेक्ट होता है, विड्थ ऑफ द चैनल ओनली। तो अक्रॉस द ये क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट होता है क्या? वियर। तो ये करेक्ट मान सकते हैं कि क्यों करेक्ट है। नेक्स्ट, ए बैराज इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय क्रिएटिंग ए चॉकिंग कंडीशन ओनली। नहीं, ये गलत है, ठीक है। ए बैराज इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी और द एंटायर पॉन्डिंग इज अचीव्ड बाय शटर और स्मॉलर पार्ट ऑफ द शटर, मतलब गेट हो गया, ओके, और नील पार्ट बाय द रेज्ड क्रेस्ट। तो मेरे हिसाब से क्यू और एस ये करेक्ट हो सकता है इनका, यानी बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्यू एंड एस। ओके, तो आप इसको देख लीजिए नाइन्थ को, फिर भी मैं इसको आपके लिए स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बट करेक्ट ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्यू एंड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड डैश वाइल द सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड डैश। तो सिल्ट एक्सक्लूडर जो होता है वो रिवर बेड पे प्रोवाइड किया जाता है, जबकि इजेक्टर जो होता है वो ऑफटेकिंग कैनाल में डाउन साइड में, मतलब ये अप साइड में, अप स्ट्रीम साइड में, ये डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड किया जाता है। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड विद इन लिमिट्स। देखिए मॉडुलर आउटलेट्स में डिस्चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाट आर द बेड बार्स। बेड बार्स क्या होता है? ये एक रेफरेंस के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर इंटरवल पे रेफरेंस के लिए आप बेड बार्स डालते हैं। तो इसका मैं देखिए कहाँ पे रेफरेंस वाला ऑप्शन है, दे आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल अलोंग एन अनलाइंड कैनाल सो एज टू सर्व एज ए परमानेंट रेफरेंस बार। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूमिंग 80% इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी दिया हुआ है 80%, ओके, एंड डिस्चार्ज क्यू भी दिया हुआ आपका 100 मीटर एच दिया है, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यू भी 100 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, एच भी दिया है 100 मीटर डिजाइन हेड। ओके, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस। तो आपको पता है जो पावर होता है उसकी फार्मूला एन इंटू गैमा क्यू एच ये होता है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए एन मतलब 80% मतलब 0.8 इंटू, अगर गामा की वैल्यू मैं 10 ले लूँ, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन में मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू क्यू 100 इंटू एच 100। तो जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 पे 2 2 4 0, यानी 8 पे 1 2 3 4 0, 8 पे 4 0 किलो मीटर, किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी किलो वैट, लेकिन ये किलो वैट में 8 पे 3 0 ऑप्शन बी में है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मेगावाट। अब इसमें हम किलो को हटाएं तो 3 0 पुट कर दीजिए, तो टोटल कितने जीरो हो गया, 1 2 3 4 and 3 7 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वाट्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, किलो को हटा दिए तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वाट, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
पी परसेंट ऑफ अर्थ डैम फेल्योर आर ड्यू टू हाइड्रोलिक फेल्योर, क्यू परसेंट आर ड्यू टू सीपेज फेल्योर एंड आर परसेंट आर ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेल्योर। तो हाइड्रोलिक फेल्योर सबसे ज़्यादा होता है 40%, सीपेज और स्ट्रक्चरल फेल्योर ये 30% के आसपास होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर जाएंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 40, 33, 25। तो ए जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि बी में देखिए 40 ये तो नहीं होता है, क्यू जो होगा मतलब सीपेज जो होगा 40% नहीं होता है, 30% के अराउंड होता है। तो आई थिंक ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये एक्वेडक्ट से है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैनाल ओवर ड्रेन, मतलब ड्रेन के ऊपर अगर कैनाल होगा तो उसको हम एक्वेडक्ट कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, द कैनाल फ्लोज बिलो द ड्रेन, कैनाल फ्लोज बिलो द ड्रेन इज कॉल्ड ड्रेन इन एक्वेडक्ट, गलत है, कैनाल ओवर रहता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, द ड्रेन फ्लोज बिलो द कैनाल, हाँ ड्रेन नीचे रहता है तो उसको एक्वेडक्ट कहते हैं, और जब इसका हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड लेवल से ऊपर रहेगा तो साइफन कहलाएगा। तो बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसमें से करेक्ट हमको चूज करने का रहा है तो बी मिल गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 15 का बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ मॉड्यूल इज डिफाइंड एज, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज यानी DQ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट द आउटलेट, ठीक है, DQ/DT मान लीजिए आउटलेट पे डिवाइडेड बाय DQ/DT, ये हो जाएगा क्या आउटलेट पे एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं F। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसी मीटर यूज करते हैं इवेपो ट्रांसपरेशन मेजर करने के लिए, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ कैचमेंट एरिया फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो हम यूज करते हैं वो 2 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक के, ठीक है, जो कैचमेंट एरिया होता है वहाँ तक यूज करते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये हेक्टेयर में दिया है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है 10^4, तो 10^4 + 2, 10^6 यानी 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर लेके 5000 मतलब 2 है तो 2 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10^6 मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर, तो 2 से लेके 5000, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज यूज्ड इन रिवर फ्लो मेजरमेंट, ये पिग्मी करंट मीटर यूज करते हैं रिवर फ्लो मेजरमेंट के लिए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चैनल फ्लो राउटिंग के लिए मस्किंगम मेथड यूज करते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेल्टा फॉर क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी दी हुई है आपको, डेल्टा निकालना है जबकि बेस पीरियड दिया हुआ है डेज में। तो ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो सेंटीमीटर में है तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो क्या होता है आपको डेल्टा निकालना है, डेल्टा इज इक्वल टू 864 B/D। ठीक है, 864 इसलिए लिया हूँ ये डायरेक्ट सेंटीमीटर में वैल्यू दे देगा, तो 864 मल्टीप्लाइड बाई 240 डिवाइडेड बाई डी 1728। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे इसको ये 2 times हो जाएगा डिवाइडेड बाय 120, तो यानी सी हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लेनिक रीडर फार्मूला इज यूज फॉर, ब्लेनिक रीडर हमेशा रिजर्वायर का इवेपोरेशन मेजर करने के लिए यूज होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रिवर इज 2 meter, हाइड्रोलिक रेडियस 2 meter, आर की वैल्यू 2 meter दी हुई है एंड लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप ऑफ चैनल इज 0.001, एस नॉट की वैल्यू 0.0001 दी हुई है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट, स्मॉलेस्ट साइज सेडिमेंट का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार कर लीजिए, इसका आंसर नहीं आ रहा है इसलिए इसका मैं करेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ आपको। ठीक है, करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसका, तो अबाउट में लिख सकते हैं बट इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, ए नेचुरल रिवर इज कन्वेइंग अ फ्लो ऑफ 2500 क्यूमेक्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटेड पेरीमीटर, ये आप डायरेक्ट लेसिस फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्या होता है वेटेड पेरीमीटर, पी इज इक्वल टू 4.75 √Q, जब इसमें आप पुट करेंगे तो यू विल गेट सी इज द करेक्ट आंसर, क्यू की वैल्यू 2500 पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4.75 से तो 237.5 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी इज द करेक्ट आंसर।
द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉमनली यूज इन द स्पेसिंग, देखिए स्पेसिंग डिजाइन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम में स्पेसिंग डिजाइन के लिए जो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है मैथमेटिकल, वो होगोट इक्वेशन से दिया गया है, ठीक है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, होगोट इक्वेशन। ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज्ड बाय डार्सीज लॉ, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डीएम इज द एवरेज पार्टिकल साइज, देखिए लेसी सील्ड फैक्टर, ये फॉर्मूला आप, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, ए बी सी कोई करेक्ट नहीं है। इसमें होता है 1.76 रूट अंडर डीएमएम, ठीक है, साइज एमएम में लेते हैं, डाया जो होता है उसका, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। 1.72 75 76 लेते हैं, 77 तीनों नहीं लेते हैं, तो 27 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्मोरिंग, देखिए ये भी मैं स्टार कर रहा हूँ, ठीक है, तो आर्मोरिंग एक्चुअली इसका अगर मैं सजेस्ट करूँ तो बी करेक्ट आंसर होनी चाहिए, इन द प्रोसेस ऑफ सैंड डिपोजिशन ऑन द रिवर बेड, बट फिर भी ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, आप इसको स्टार कर लीजिए, देखते हैं आयोग इसका क्या देता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ए जनरल मोबाइल बाउंड्री चैनल कैन बी कंसिडर्ड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोबाइल बाउंड्री चैनल में, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, बट फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए भी। डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड विड्थ, साइड स्लोप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, 29 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन कमेंट ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट, मोर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन एंड सिक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन, ये करेक्ट है ए, अल्टरनेट डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, अल्टरनेट डेप्थ स्पेसिफिक फोर्स है, नहीं ये गलत है, अल्टरनेट डेप्थ रिलेटेड टोटल एनर्जी गलत है, अल्टरनेट डेप्थ रिलेटेड टू टोटल मोमेंट ये भी गलत है, ये करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, सही बात है, एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, ये करेक्ट है ए। At critical flow through a channel section, the alternate depths merge to a single value, but sequent depths differ. ऐसा कुछ नहीं होता है। At critical flow through a channel section, क्या कह रहा है? Identify correct है। ये एक correct है, एक हमको मिल गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 31 का ये is correct। Next question है 32, what is the qualification of uniform? Uniform flow पे तीनों equal होता है। SF is equal to S naught is equal to SE, है ना? Energy स्लोप, वाटर स्लोप और बेड स्लोप तीनों इक्वल होता है, सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों में इक्वल इक्वल इक्वल, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर एन ओपन रेक्टेंगुलर चैनल द फ्रॉड नंबर रेक्टेंगुलर चैनल क्रिटिकल सेक्शन के लिए क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो के लिए पूछ रहा है, तो फ्रॉड नंबर क्या हो जाएगा, 1, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैविंग बेड विड्थ 2 मीटर इज लेड एट अ बेड स्लोप ऑफ -0.0009 एंड कैरीज अ फ्लो ऑफ 10 क्यूमेक्स, व्हाट इज द नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। देखिए आप जब इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, इट नीड्स कैलकुलेटर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे कौन ऑप्शन देता है इट नीड्स कैलकुलेटर, ऐसे जरूरी नहीं है, जब कैलकुलेटर नहीं था तब भी तो हम कैलकुलेट करते ही थे कैसे कैसे करके, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है मेनी डेटा आर मिसिंग, ये हो सकता है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कोई इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोफिशियंट पता होना चाहिए, चेंजेस मीनिंग्स हम एज्यूम कर लेते हैं, बट डेटा दिया हुआ रहना चाहिए, तो बी को हम सही मान सकते हैं कि बी सही है। तीसरा कह रहा है द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द चैनल, ये भी गलत है, तो इसका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन रिलेटिंग टू प्री एंड पोस्ट हाइड्रोलिक जंप फ्लो डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय, फ्लो डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय, तो ये इक्वेशन है, आपको डायरेक्टली याद रखना होता है ये इक्वेशन, रैपिडली वेरिड फ्लो में आता है इक्वेशन, तो इसमें देखना होता है, जैसे देखिए वाई वन अपन वाई टू मैं लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ अगर 2 है तो वहाँ भी -1 + 1 + 8 FR2 का स्क्वायर होगा, FR2 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होना, तो देखिए 2 है 1 है ये नहीं होगा, 2 है 1 है ये नहीं होगा, 1 है 1 है, तो ये सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका।
अच्छा यहाँ पे प्लस है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। अगेन वाई टी ओपन वाई वन, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो माइनस वन प्लस रूट अंडर वन प्लस एट एफ आर वन स्क्वायर, सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज, ये डायरेक्टली इक्वेशन पूछा है आपको जीवीएफ का, है ना, जीवीएफ फ्लो का, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का डायनामिक इक्वेशन पूछा है, तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा। डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा जो है काइनेटिक करेक्शन फैक्टर है एफ आर स्क्वायर, सो ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो का इक्वेशन पूछा है, तो क्या होता है, क्यू स्क्वायर टी अपन जी ए क्यू इज इक्वल टू वन, तो इसका भी ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है, जिसका पेरीमीटर मिनिमम हो, हैविंग मिनिमम वेटेड पेरीमीटर फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स टू इजी क्वेश्चन, स्कोरिंग पेपर था इस बार सिविल का। विड्थ ऑफ कैरियर्स वे, हाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, विड्थ ऑफ कैरियर्स वे पूछा है एज पर आई आर सी रिकमेंडेशन टू लेन रोड के लिए, जो कि टू लेन रोड के लिए 7 होता है 7.5 होता है, तो 7 कब होगा, जब 7 कब होगा, जब ये विदाउट रेज रहता, यहाँ पे विथ रेज दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7.5, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 7 होता अगर विदाउट रहता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिजाइनिंग ए रोड ऑफ हिली एरिया रूलिंग ग्रेडियंट, देखिए रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है 6.5%, रेडियस आपको दिया हुआ है ऑरिजेंटल कर्व का कितना 60 मीटर और कंपेंसेटेड ग्रेडियंट निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है 30 + R / R, तो 30 + 60 / 60, जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 90 / 60 यानी 1.5, बहुत लोग क्या किया 6 - 6.5 में से 1.5 - 5 ए ऑप्शन मिला, मार दिया, बट ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है 75 / R, ठीक है, तो जब 75 / R, R कितना है 60, ये करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एंड उसको 6.5 में से माइनस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा बी 5.25, ठीक है 5.25, सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द PCU पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू ऑफ ए ब्लॉक कार्ट, ब्लॉक कार्ट के लिए 8 होता है बी, ये आपको याद रखना है, मेजर ब्लॉक कार्ड के लिए 8 होता है, माइनर के लिए 6 होता है। ऑन पैसेज ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल विथ 3 times द स्टैंडर्ड लोड, इसका जब आप निकालेंगे तो एक फार्मूला आता होता है P raised to n + 1 करके, है ना, इससे निकलता है, तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, एक पैसेंजर, वन पैसेंजर तीन टाइम्स है, तो 1 × 3 इस रेज टू n प्लस वन, n कितना हो जाएगा आपका 3 + 1, तो मेरे हिसाब से 81 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, बट इवन इसमें n की वैल्यूज़ पता नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं अभी स्टार मार्क कर रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका 81 ही आना चाहिए, बट आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सर्कुलर लोड ऑफ रेडियस अल्फा विथ यूनिफॉर्म प्रेशर पी अप्लाइड इन द सर्फेस ऑफ द होमोजेनियस लेयर द वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड की वैल्यू निकालना है सर्कुलर के लिए, तो ये होता है जेड क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू 3/2 यानी 1 माइनस इतना बी इसका, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस जेड क्यू अपॉन इतना, ये है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, देखिए बेसिक कैपेसिटी पॉसिबल कैपेसिटी ट्रैफिक, ये तीनों का डिफिनेशन दे रखा है इसमें सिंपल, तो बेसिक कैपेसिटी क्या होता है, देखिए लोगों ने बहुत लोग क्या किया पॉसिबली अटेंड ये देख लिया इसको पॉसिबल से मार दिया, लेकिन ये क्या होगा, ये होगा आपका बेसिक कैपेसिटी, ये होगा बेसिक कैपेसिटी, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आइडियल रोडवेज हो, है ना, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं बेसिक कैपेसिटी, तो बेसिक कैपेसिटी मतलब 1 का क्या हो जाएगा टी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा इधर क्या है आपका प्रिवेलिंग रोडवेज कंडीशन, तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल कैपेसिटी, तो आर का क्या हो जाएगा यानी 2 का आर, तो 1 का T 2 का R, देखिए 1 का T 2 का R, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक साइड दिया हुआ पेनिट्रेशन वैल्यू, दूसरे साइड इक्विवेलेंट विस्कोसिटी ग्रेड दिया हुआ है, तो 80 से 100 पेनिट्रेशन वैल्यू होती है वीजी 10 का, 70 से 80 वीजी 20 का और वीजी 30, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 45 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, दूसरे साइड आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, किसकी कितनी वैल्यूज होती है, किसके लिए, बिटुमेन मेका डैम के लिए, बिटुमेन मेका डैम बेस कोर्स के लिए, ये ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्शन में बिटुमेन मेका डैम बेस कोर्स के लिए है ना, तो लॉस एंजलस की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 40% होता है, ठीक है। एग्रेशन इंपैक्ट वैल्यू ये 35% के आसपास होता है, 35% के आसपास, तो यहाँ पे लेस देन 25% है, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है इस केस में। और कंबाइंड फ्लैकनेस इंडेक्स ये ठीक है, लेस देन 15% होता है तो 10% है। वाटर एब्जॉर्प्शन 1%, लेस देन 1%, ठीक है, 2% होता है, तो मेरे हिसाब से सी इसका सही होना चाहिए, बट सॉरी आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूँगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए सेचुरेशन पॉपुलेशन है ना, लॉजिस्टिक कर मेथड से जब हम वाटर डिमांड फाइंड आउट करते हैं, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग करते हैं, ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो उसमें उसके एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, लॉजिस्टिक कर्व का सिंपल इक्वेशन क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग है माइनस प्लस का, बाकी सब एक बार याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। तो इसका जो मेन क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फार्मूला पूछ रखा है, क्या है कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉग ई पी एस माइनस पी, हमेशा याद रखिएगा इसमें माइनस निगेटिव साइन नहीं होता है, पी नोट वाले में निगेटिव साइन होता है, सो पी एस माइनस पी अपॉन पी नोट माइनस लॉग ई पी एस माइनस पी नोट अपॉन पी नोट इज इक्वल टू माइनस के पी इन के पी एस इंटू टी, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रैक्टिस द मिनिमम टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ द टाउन सिटी, डोमेस्टिक कंजप्शन मिनिमम कितना होता है, देखिए 135 तब होता है जब लो इनकम ग्रुप LIG के लिए, ठीक है, लेकिन ये फुल फ्लशिंग सिस्टम यहाँ पे दे रखा है, फुल फ्लशिंग सिस्टम, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल आर, ये रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है ट्यूबवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट पूछा है स्लो सेंड के लिए और रैपिड सेंड के लिए, स्लो सेंड के लिए 2.5 से 3.3 होता है और रैपिड सेंड के लिए 1.3 से 1.7, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये टोटल 50 क्वेश्चन हमने बताया सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6 का, तो आपके टेक्निकल तीनों पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है, अब आपके बचे हैं 12 मार्च वाले पेपर जिसमें हिंदी था, इंग्लिश था और GK था, तो आई होप इनके मिल भी गए होंगे, फिर भी मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि ये तीनों भी आपको अपलोड कर दूँ। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।